गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन है हमारा ये बच्चे का। तो गौरी का बच्चा हुआ था, हमने कल बताया था आपको। आज दूसरा दिन है, देखिए अभी अच्छे से खड़े हो जा रहा है और बहुत उछल कूद भी कर रहा है। और क्या बोलते हैं, हम अभी थोड़ी देर में इनका दूध निकालेंगे, इनकी माँ का, जिसको हम प्योस बनाएंगे, उसका भी हम आपको वीडियो बताएंगे। तो तब तक देखिएगा ये क्या कर रहा है। हमने इसका नाम भी रख लिया है बच्चों ने, संतू। तो इसका नाम कैसा है आप बताइएगा कमेंट करके। और थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर हम अपने गौरी का दूध निकालेंगे। संतू इधर देखो, संतू देखो कितना प्यारा है। तो थोड़ी देर में हम इनका दूध निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दूध निकाल रहे हैं हम लोग गौरी का। ये मेरे मिस्टर हैं जो निकाल रहे हैं, ससुर जी हैं जो उसको सहला रहे हैं। हम प्योस बनाएंगे इस दूध का भी, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा है। तो फ्रेंड, जब तक ये दूध निकाल लेते हैं, फिर कितना गौरी ने दूध दिया है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो दूध निकालने देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने दूध निकाल लिया है। दूध नहीं है, वो प्योस है, गाढ़ा है अभी, तो उसको दूध नहीं बोलेंगे हम। और ये देखिए हमारे गौरी का बच्चा क्या कर रहा है, संतू। तो देखिए हम लोग बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबू बाबू क्या पकड़ा है ये? अभी हम लोग दोनों बच्चे के लिए छोटा छोटा कुर्सी खरीदे हैं, तो बाबू उसको पकड़ के घूम रहा है, किसी को उसमें बैठने नहीं दे रहा है। चलो बैठ के बताओ बेटा, बैठ के बताओ इधर। हाँ चलो बैठ के बताओ, चलो हाय करो। और अप्पा दो तो, ये छोटा सा टाइगर, ये हमारे बगल वाले घर का है। वो सुबह यहाँ ले आते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं तो। नैन्सी अपना कुर्सी लेके आओ, इन लोग बहुत खुश हैं, आज छोटा छोटा कुर्सी खरीदे हैं इन लोग के लिए। तो ये बाबू तो पूरा पकड़ के उसको घूम रहा है, कोई लेके मत जाए करके। अच्छा चलो दोनों भाई बहन बैठ के दिखाओ, चलो बैठ के दिखाओ। हाँ चलो आप भी बैठो, चलो हाँ चलो आप भी बैठो इधर। हाय करो नैन्सी, हाय 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 हाय। चल एक बार सॉरी बोल दे तो बेटा। ओ शोली, देखिए फिर हम लोग प्योस बनाएंगे, गाय का जो हम प्योस निकाले हैं उसको दिखाते हैं आपको। देखिए प्योस बनाने के लिए हमने आग जला लिया है चूल्हे में, और बड़ी सी एक गंजी रखे हैं। इस पानी को हम उबालेंगे, इसके ऊपर में एक थाली रख के जो प्योस निकाले हैं उसको ऊपर में हम डालेंगे। प्योस में हम गुड़ मिलाएंगे, उसको हम लोग प्योस भी कहते हैं और खीरसा भी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए माँ गुड़ डाल के उसको घोल रही है, ये 1 लीटर के आसपास है। हम लोग दोपहर में और निकालेंगे, उसके बाद शाम को भी निकालेंगे। अभी लगातार हमारे यहाँ 3 दिन तक प्योस बनेगा। तो देखिए माँ बनाएंगी अभी, तो आपको दिखाते हैं। तब तक देखिए बच्चे लोगों की मस्ती, ये देखो
बच्चे का बदमाशी। नहीं मार बाबू, नहीं मार, नहीं मार बेटा, नहीं मारना, गंदी बात। चलो बैठो अपने कुर्सी में। हाँ तब तक हम बाबू से बात करते हैं। बाबू इधर देखो बेटा, सुनो, बैठना बैठना बैठना, कुर्सी में बैठ, कुर्सी में बैठ। बाबू बाबू वो क्या है, वो क्या है? टाइगर है। तो देखते हैं माँ कैसे बनाती है। और हम लोग फ्यूज बनाने जा रहे हैं। इसमें हम गुड़ को घोल लिए हैं अच्छे से और इसमें डाल रहे हैं, छन्नी की मदद से छान ले रहे हैं, फिर ये भाप में पकेगा। हमारा ये प्योस भाप में पक जाएगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम ढक देते हैं। ढकेंगे तो ये और अच्छे से होगा और आग को अच्छे से, मतलब जितना ज्यादा जलाएंगे उतना जल्दी होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आग को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, अच्छे से जल रहा है कि नहीं। तो ये अच्छे से जल रहा है, उसके बाद ये हमारा पक जाएगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड ये कितना पका है। थोड़ा सा मैं इसको टच करके देखती हूँ, लगभग हो ही गया है ये हमारा। थोड़ा देर और जमने देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड ये हो गया होगा हमारा, ये देखिए केक के जैसे ये जम गया है। अब ये हो गया है, हम लोग जितने हमारे रिश्तेदार हैं उन लोगों को हम इसको बांटेंगे टुकड़ा टुकड़ा करके। ये इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बांटेंगे ये प्रसाद के रूप में, ताकि सबको पता चलेगा कि हमारी गौरी का बच्चा हुआ है। तो इसको हम काटते हैं और उतार लेते हैं इसको चूल्हे से, ठीक है? तो फ्रेंड कमेंट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड इसको मैं काट रही हूँ। अब इसको हम जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाचा लोग हैं और बुआ सास लोग रहते हैं, सबके यहाँ देंगे हम लोग इसको प्रसाद के रूप में, ताकि उनको भी पता चलेगा कि इनके गाय का बच्चा हुआ है करके। तो इसको हम लोग प्रसाद के रूप में सबके घर में बांटेंगे और हम लोग खाएंगे भी घर के। तो बताइएगा कमेंट करके आप कि हम जो आज प्योस से, जो गाय के दूध से जो प्योस बनाए हैं, इसको हम खिरसा भी बोलते हैं, आपको कैसा लगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। देखिए फ्रेंड मैंने खाने के लिए मिस्टर को दिया है, ये देखिए कैसे बना है, पूरा ऐसे जमा है और इतना सॉफ्ट है। देखिए छूने से एकदम, ऐसे दबा के दिखाइए ना, एकदम सॉफ्ट है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे लोग और बहुत चाव से खाते हैं। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय बाय।